वनोपज के माध्यम से धमतरी जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम दुगली की महिलाएं वनोपज खरीदी और बिक्री में पारंगत हो चुकी हैं। ये महिलाएं आसपास के गांवों के हाट बाजारों में जाकर हर्रा, बहेड़ा, चार, चिरौंजी, महुआ, इमली, तेंदुपत्ता समेत सभी 22 प्रकार के वनोपजों की खरीदी कर उसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचती हैं। महिलाओं का कहना है कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। किसी दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होने के लिए वे ये काम कर रही हैं। सब महुआ, इमली जो भी मिलते हैं, हर्रा बहेड़ा ऑनलाइन, इनमें हमला बहुत फायदा है। तो हम समूह वाले बहनी सब ये काम करथन। हमन पहले मजदूरी करत रहे, खेती किसानी, गोदी माटी, जैसे हमला फायदा नहीं मिलत रही, तो समूह में हमन हरा बेहड़ा जो भी हो जैसे खरीदथन, हमन लेवा था तो हमला फायदा मिला थे। सरकार तो नहीं ले, सरकार की योजना खुल गई है तो हमला अच्छे से दाम मिला थे और इमें अब हमला फायदा भी होते। अब एमन आगे बढ़त है और पूछा थे कि हमन तुहर करा लाभो का बेचे बर लूहू का, ऐसे करके पूछा थे। धीरे धीरे हमन कदम लागे बढ़ा थन और कहा थन कि हमार समूह द्वारा दिए जाओ कि जो भी वन उपज लात हो ओला संग्रह करके लात हो, ओला पके पुकाए लाओ, कच्चा इमली मत तोड़ो, हर्रा भी कच्चा नहीं और भेड़ा महुआ भी अच्छा सूखे वाले ला कर दे, वैसे कही के बोला थन हमन। महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर हरीश नेताम ने बताया कि इसमें ऐसी सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। 22 प्रकार की वनो उपज है, उसका एक व्यवसायिक एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड या मानक के रूप में कलेक्शन के विधि को बताए हैं कि इसमें भंडारण करना है, कैसा सुखाना है, कैसा प्राथमिक प्रसंस्करण करना है। ये सारी प्रशिक्षण अपन लोग 2 दिवसीय आवासीय व्यवस्था के रूप में स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण दिए हैं। प्रबंधक सूरज साहू ने बताया कि लॉकडाउन में महिलाएं सरकारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए इस काम में लगी हुई हैं। ये शुरुआती हुआ है वन धन विकास का योजना है, इस योजना के तहत हम लोग अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे समूह के सदस्यों द्वारा इसका संग्रहण गांव-गांव में कराया गया ताकि हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और सरकार इस योजना का लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इसी मॉनिटरिंग के तहत जिस वनोपज का मूल्य कम था उसके मूल्य में वृद्धि किया गया है। बताया गया है कि महिलाएं पहले रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन वनोपज की खरीदी बिक्री से जुड़ने के बाद इनका जीवन चक्र बदल गया है और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।